बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिवीजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो हम रिवीजन करने वाले हैं स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी की। तो स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी का जो पहला चैप्टर है वो है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई का जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से जीनस आते हैं, इस चैप्टर के अंदर से दो इंपॉर्टेंट जेनरा आते हैं। एक है स्टेफालोकोकस, दूसरा स्टेप्टोकोकस। तो स्टेफालोकोकस और स्टेप्टोकोकस की अपनी स्पेसिफिक स्पीशीज हमने पढ़नी है। तो स्टेफालोकोकस की स्टेफालोकोकस ओरियस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेफालोकोकस एपिडर्मिडस ये रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट है, स्टेफालोकोकस सेप्रोफाइटिकस। तो सेप्रोफाइटिकस एपिडर्मिडस और ओरियस इसके तीन मेजर स्पीशीज है स्टेफालोकोकस की। जबकि स्टेफालोकोकस के अंदर आपने पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हिमोलिटिक ग्रुप, तो इनके इन द बेसिस ऑफ हिमोलिसिस। तो इसको हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और इसके साथ साथ नेक्स्ट आपको जो डेल्टा वाले हैं, ठीक है, तो वो हम देखने को मिलते हैं। तो पहला जो ग्रुप ए के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई है, एंटीरोकोकस फिसैलिस है, और लास्ट में आपको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और इससे भी लास्ट में आपको जो विरेडियन ग्रुप देखने को मिलता है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विनस और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस आते हैं। तो इन शॉर्ट इसको समराइज करना चाहो तो समराइज इस तरह से करेंगे कि जो तीन स्टेफालोकोकस है और चार हमारे स्ट्रेप्टोकोकस के ग्रुप आते हैं। पहला स्ट्रेप्टोकोकस आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स आता है, फिर इसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई आता है, फिर इसके बाद एंटीरोकोकस फिसैलिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। सॉरी मैं कह रहा था चार, हालांकि पांच बनते हैं, पायोजीन्स है, एगलेक्टाई है, फिकैलिस है, निमोनियाई है, और विरेडियन ग्रुप है। विरेडियन के अंदर मजीद दो आ जाते हैं, सैंग्विस और म्यूटेंस आ जाते हैं। सबसे पहले इनके डिजीज को नोट करना स्टार्ट करते हैं, एमसीक्यू में के डिजीज आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स के डिजीज को देखते हैं, जो कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस में आता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई ग्रुप बी में आता है, तो उसके डिजीज कौन कौन से होते हैं। नॉर्मली ये पायोजेनिक होते हैं, सुपरलेटिव होते हैं, जो पस प्रोड्यूस करने वाले डिजीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरिंग्स की इन्फ्लेमेशन उसको बोलते हैं, फेरेंजाइटिस है, इसके साथ साथ सेलुलाइटिस भी देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों कौन से है, सुपुरेटिव या पस प्रोड्यूसिंग डिजीज है, जबकि नॉन सुपुरेटिव है जिसमें पस प्रोड्यूस नहीं होती बल्कि इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको रियोमैटिक फीवर और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस देखने को मिलता है। तो ठीक हो गया। तो इन शॉर्ट इसके दो टाइप के डिजीज आपने बना के रखने हैं, सुपुरेटिव एंड द नॉन सुपुरेटिव। सुपुरेटिव के अंदर आपने याद रखना है फेरेंजाइटिस और सेलुलाइटिस, जबकि नॉन सुपुरेटिव के अंदर इम्यूनोलॉजिकल के अंदर आपने याद रखना है रियोमैटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाला, ठीक है। इसके बाद अगर स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई है, इसने करवाना न्यूनेटल मेनिनजाइटिस और सेप्सिस करवाना, जबकि पुराना वाला स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स क्या करवा रहा था, पायो का मतलब पस वाला, तो पायोजेनिक वाले में रियोमैटिक फीवर फेरेंजाइटिस और नॉन सपोरेटिव के अंदर रियोमैटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था। जबकि एंटीरोकोकस फिसैलिस ने यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन कराने थे, एंडोकार्डिटिस भी काफी ज्यादा करवा देता लेकिन दिया था, ठीक हो गया। जबकि उस वाले ने क्या करवाना था, न्यूनेटल मेनिनजाइटिस और सेप्सिस करवाना था। इसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई है, इसने नाम से लग रहा है कि इसे निमोनिया कॉज करना है, लेकिन निमोनिया और मेनिनजाइटिस अडल्ट में कॉज करना है। इसको याद किस तरह से करना है, निमोनिया में एम बी आ रहा है तो मेनिनजाइटिस हो जाएगा, और लास्ट में ए आ रहा है इसका मतलब अडल्ट है, और बच्चों में ओटाइटिस मीडिया और साइनोसोइटिस करवा देगा। ओटाइटिस मीडिया और साइनोसोइटिस बहुत ईजी है, ओटाइटिस के आखिर में एस आ रहा है तो साइनोसोइटिस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप चिल्ड्रन का याद रख लेना, इसके बारे में मजीद कोई मेमोरी नहीं बना सकते। जबकि विरेडियन ग्रुप में जो स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विनस आता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस आता है, तो इसमें करवाना है एंडोकार्डिटिस करवाना है, इसलिए मेनली एंडोकार्डिटिस करवा देना, इसके साथ साथ ब्रेन की एप्सिस करवा देनी है स्पेसिफिकली, जो अगर ये होता है। दूसरा मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है माउथ के एनारोब्स का, वो कौन कौन से एनारोब्स होते हैं, इसमें स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की बात कर रहा है, डेंटल केरीज भी करवाता है। अब एनारोब कौन कौन से है उसको हमने बाद में पढ़ना है, तो इनके डिजीज को पहले हम रट्टा मार लेते हैं। तो इन शॉर्ट जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि फेरेंजाइटिस किसने करवाना था, फेरेंजाइटिस करवाना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ने करवाना है, सेप्सिस न्यूनेटल मेनिनजाइटिस ये करवाना है स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई ने करवाना है, जबकि अडल्ट में मेनिनजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने करवाना है, बच्चों में साइनोसोइटिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ने करवाना है, बच्चों में ओटाइटिस मीडिया एबीसी ने करवाना है, एंटीरोकोकस फिसैलिस ने फीसिस है तो इसने बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह यूटीआई और एंडोकार्डियाइटिस, जबकि एंडोकार्डियाइटिस ब्रेन एब्सेस ये सारा करवाना है विरेडियन ग्रुप वाले ने, ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपने चीज याद रख ली डिजीज का, ये तो अब तो आपको मैंने डिजीज बताई थी स्ट्रेप्टोकोकस की, अब स्टेफलोकोकस की भी डिजीज देख लेते हैं। स्टेफलोकोकस की जो डिजीज होती है काफी ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस है ये करवाता है कम्युनिटी एक्वाइर्ड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, यंग वुमन में, लेकिन इसके साथ साथ कहते हैं कि ज्यादा माइनर होता है एज कम्पेयर टू ई कोलाई, क्योंकि ई कोलाई ने भी यूटीआई करवानी होती है। तो स्टेफलोकोकस सेप्रोफाइटिकस में करवाना यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराना है, जबकि बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन एंडोकार्डियाइटिस एंटीरोकोकस फिसैलिस ने करवाना था। इसके बाद नेक्स्ट है स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडस, स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडस में एंडोकार्डियाइटिस करवाना है, स्पेसिफिकली जो हार्ट वाल्व डैमेज हो जाती है तो फिर हमें आर्टिफिशियल
स्पेशल प्रोस्थेटिक हार्ट पार्ट डालने पड़ते हैं, या फिर हिप ज्वाइंट का फ्रैक्चर हो जाता है, डीप हिप ज्वाइंट की डिसलोकेशन हो जाती है या इसकी डिसप्लेसमेंट हो जाती है, तो हमें नया हिप ज्वाइंट डालना पड़ता है आर्टिफिशियल। तो प्रोस्थेटिक तो वहां पर भी इसके जरिए बैक्टीरिया आ सकता है स्टेफलोकोकस, और वहां पर एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है, या फिर इंट्रावेस्कुलर कैथेटर की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है, या CSF शंट, मतलब जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट पास करते हैं, इंस्ट्रूमेंट अगर अगर स्टरीलाइज नहीं होते तब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि न्यूनेटल मेनिनजाइटिस और न्यूनेटल सेप्सिस स्टेप्टोकोकस एकेलेक्टाइल करवा रहा था, तो इसके साथ साथ ये भी करवाता है, कौन करवाता है, स्टेफलोकोकस एपिडर्मिटिस ये भी करवाता है, ठीक हो गया। इसके साथ जो सबसे ज्यादा डिजीज पास करवाते हैं वो है स्टेफलोकोकस ओरियस। तो पहले सबसे नंबर वन क्या करवाता है, एब्सेस करवाता है। एब्सेस तीन चीजों की होगी, ऑर्गन की होगी, स्किन की होगी और सॉफ्ट टिश्यू की होगी। इसमें एग्जाम्पल देता है, चार चीजों की एग्जाम्पल देगा, ठीक है, एंडोकार्डियाइटिस देगा, स्टियोमाइलाइटिस देगा, सेप्टिक आर्थराइटिस देगा, एम्पेटिको देगा। इसके साथ साथ हॉस्पिटल में निमोनिया भी हो सकता है, सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन भी हो सकती है, या सेप्सिस वगैरह भी हो सकती है। सेप्सिस का मतलब होता है ब्लड जो होते हैं, ब्लड के अंदर टॉक्सिन वगैरह प्रोड्यूस होना शुरू हो गया बैक्टीरिया के, या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। कुछ एक्सोटॉक्सिन मेडिएटेड डिजीज भी है, ऊपर तो बायोजेनिक डिजीज थी, जिस तरह गैस्ट्रोएंटेराइटिस फूड पॉइजनिंग वाला एक होता है, एक्सोटॉक्सिन होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम वाला था, स्काल्ड स्किन सिंड्रोम था। इन शॉर्ट जो सबसे ज्यादा ह्यूमन का इन्फेक्शन होता है वो इसी स्टेफलोकोकस ओरियस की वजह से होता है। अब हम पहले स्टेफलोकोकस की सारी प्रॉपर्टीज को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम स्टेफलोकोकस की जाएंगे। तो सबसे पहले दोबारा से हमको बता देता हूँ डिजीज का, तो ये सुपरेटिव स्टेफलोकोकस पायोजिन सुपरेटिव और नॉन सुपरेटिव दोनों करवाता है, फरेंजाइटिस सेलुलाइटिस करवाता है, जबकि रूमेटिक फीवर और एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस ये इसके नॉन सुपरेटिव डिजीज है। स्टेफलोकोकस एगलेक्टाई न्यूनेटल मेनिनजाइटिस और सेप्सिस करवाता है, जबकि एंटीलोकोकस फेसालिस यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बिलियरी ट्रैक इन्फेक्शन और एंडोकार्डाइटिस करवाता है, जबकि स्टेफलोकोकस निमोनिया बच्चों में निमोनिया और एडल्ट में निमोनिया और MRSA तो मेनिनजाइटिस, और बच्चों में टाइटस मीडिया और साइनोसोइटिस करवाता है, जबकि विरिडियन ग्रुप ने एंडोकार्डाइटिस करवाना है, उसके साथ साथ ब्रेन की एब्सेस भी करवा देनी है, जबकि स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस डेंटल केरीज भी करवाता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, नंबर वन सबकी सब स्टेप्टोकोकस की, तो इन सब में आपको कुछ चीजें कॉमन देखने को मिलेगी। सबसे पहली बात, ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव कोकाई के अंदर आते हैं स्टेप्टोकोकस स्टेफलोकोकस चेन्स के फॉर्म में, क्यों का, क्योंकि स्टेप्टोकोकस का मतलब यही होता है। यहाँ पे भी आपको ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स है, यहाँ पे भी ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन चेन्स है, यहाँ पे भी ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इनकी शेप है वो यहाँ पर लैंसेट शेप है, लैंसेट जिस तरह आपने लैंसेट आपने यूज करते होंगे इसमें फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में, लैंसेट वगैरह जिससे आप ब्लड वगैरह ब्लड का ड्रॉप लेते हैं, जबकि ये वाला ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो एक एंजाइम होता है, आपको पता है कि जो कैटालेज होता है, कैटालेज जो होता है वो सिर्फ स्टेफलोकोकस में होता है, स्टेप्टोकोकस में नहीं होता। तो अगली प्रॉपर्टी जो कॉमन देखने को मिलेगी वो होगा कैटालेज नेगेटिव होगा, ये भी कैटालेज नेगेटिव, सारे कैटालेज नेगेटिव है, ये भी कैटालेज नेगेटिव है, ये भी कैटालेज नेगेटिव है, ये वाला भी कैटालेज नेगेटिव है, सारे ही कैटालेज नेगेटिव होते हैं सारे, जबकि स्टेफलोकोकस कैटालेज पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैटालेज नेगेटिव लिखा होगा, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा उनकी हिमोलिसिस का होगा। अब हिमोलिसिस के बेस पर हम क्या करते हैं, ब्लड एगर होता है, ब्लड एगर में RBC होती है, ठीक है, और एक चॉकलेट एगर भी होता है जो कि ब्लड एगर को 80 डिग्री के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है, हीटिंग करने की वजह से। अब होता क्या है, अब हम एक करते हैं इनकी हिमोलिसिस करते हैं, हिमोलिसिस की वजह से अगर ग्रीन जोन बनता है तो उसको हम स्पेसिफिक बीटा हिमोलिटिक में डाल देते हैं, अगर कलरलेस जोन बनता है तो अल्फा हिमोलिटिक में डाल देते हैं, या कोई हिमोलिसिस नहीं होती तो गैमा में डाल देते हैं। तो स्टेप्टोकोकस पायोजीन्स है, बीटा हिमोलिटिक है, ठीक है, किसमें आता है, बीटा हिमोलिटिक में आता है, जबकि स्टेप्टोकोकस एगलेक्टाई ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के दोनों बीटा हिमोलिटिक होते हैं, जबकि एंटीलोकोकस फेसालिस हिमोलिटिक में नहीं आता, ठीक है। अगर हम इसमें देखते हैं स्टेप्टोकोकस निमोनियाई में देखते हैं तो ये अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनी देखने को मिलेगी, अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनी देखने को मिलेगी, जबकि विरिडियन वाली भी अल्फा हिमोलिटिक, तो दो अल्फा हिमोलिटिक है विरिडियन और स्टेप्टोकोकस निमोनियाई, जबकि एंटीलोकोकस फेसालिस में कोई कॉलोनी बनाता है, जबकि स्टेप्टोकोकस एगलेक्टाई और पायोजीन्स होते हैं, ये हमारी बीटा हिमोलिटिक के अंदर आते हैं, ठीक हो गया, बीटा हिमोलिटिक के अंदर आते हैं। अब इसके बाद कुछ इनकी सब डिवीजन आ जाती है, फॉर एग्जांपल जो बीटा हिमोलिटिक होते हैं, स्टेप्टोकोकाई होते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंटीजेनिसिटी ऑन देयर सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट, के सेल वॉल जो होता है सी कार्बोहाइड्रेट होता है, इसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर की बेस पर उसको ABC में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी ये बात आपको कॉमन इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है, ये वाली। और एक बात आपने ये भी नोट करनी है, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों बीटा हिमोलिटिक के अंदर आते हैं, तो दोनों के दोनों बेसिट्रेसिन के खिलाफ क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती है बेसिट्रेसिन, ठीक है, तो बेसिट्रेसिन सेंसिटिव, ये पॉइंट आपको इन दोनों में कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो असल में उनके करेक्टरिस्टिक्स है पायोजीन्स की और एगलेक्टाई के तकरीबन ऑलमोस्ट सिमिलर है, ओके।
अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स मतलब यहाँ पे खत्म हो जाती है, जबकि ये यहाँ पर आपको जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आई है तो यहाँ पर लिखा होगा कि जो ऑप्टोचिन होती है, ठीक है, ऑप्टोचिन होती है तो वो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती है, लेकिन ये क्या होते हैं ऑप्टोचिन से रेजिस्टेंट होते हैं, कौन से विरेडियन वाले, क्योंकि ये दोनों अल्फा हिमोलिटिक के अंदर आ रहे हैं, ये दोनों इसमें एक ही ग्रुप में आ रहे हैं बीटा हिमोलिटिक में, ये दोनों अल्फा में, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, एक होगा ऑप्टो ऑप्टोचिन का होगा डिफरेंस होगा, तो ये ऑप्टोचिन इनको मार देती है लेकिन ये रेजिस्टेंट होते हैं, ऑप्टोचिन के रेजिस्टेंट होते हैं, ठीक है, ऑप्टोचिन के क्या होते हैं रेजिस्टेंट होते हैं। दूसरी तरफ अगर अगर बाइल डालते हैं बाइल, तो बाइल डिजोल्व कर देता है इनकी कॉलोनी को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बाइल ये सॉल्युबल होते हैं जबकि बाइल यहाँ पर सॉल्युबल नहीं होते, मतलब कॉलोनी बाइल से डिजोल्व नहीं होती, समझ आ गया आपको, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस वगैरह देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। इसके साथ ये भी कहता है कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर कि आपको यहाँ पर 85 सीरो टाइप देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर सीरो टाइप का मतलब इसको डिफरेंट एंटीजेनिसिटी की बेस पर डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। अब एंटीजेनिसिटी इनके पॉलीसेक्राइड कैप्सूल के ऊपर पड़ी हुई है, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल के ऊपर पड़ी हुई है, जबकि यहाँ पर था एंटीजेनिसिटी थी वो इनकी कहाँ पर पड़ी हुई थी, सलवार के कार्बोहाइड्रेट में थी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बताता है कि तो सिर्फ कहते हैं कि यहाँ पर जो थ्री क्लासिकल इनकैप्सुलेटेड पायोजेनिक बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, पहला निजेरिया मेनिनजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और जो तीसरा कौन सा है यही वाला है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जिसको नीमोकोकस बोलते हैं, ठीक हो गया नीमोकोकस। तो करेक्टरिस्टिक्स को हमने सब में कंपेयर कर लिया, अब इनकी हैबिटेट देख लेते हैं। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक है ग्रुप ए वाला, इसकी हैबिटेट ह्यूमन थ्रॉट होती है, थ्रॉट फेरिंग्स वगैरह और स्किन दोनों होती है थ्रॉट, जबकि इसकी हैबिटेट वजाइना होती है स्ट्रेप्टोकोकस एगलिप्टाई की, हैबिटेट से ही आप डिजीज अंदाजा कर लोगे आप। इसकी हैबिटेट क्या होती है, ह्यूमन कोलोन होती है, ठीक है, यूरिथ्रा और फीमेल जेनिटल ट्रैक होती है, फीमेल जेनिटल ट्रैक होती है, ठीक है, तो ये कोलोन यूरिथ्रा और फीमेल जेनिटल ट्रैक इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हैबिटेट हो जाएगी, जबकि इसकी हैबिटेट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जबकि इसकी हैबिटेट क्या है ह्यूमन ओरोफेरिंग्स है। इन सब की हैबिटेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, दोबारा बता देता हूँ, उल्टा चलते हैं, ओरोफेरिंग्स है इसकी जो हैबिटेट है निमोनिया की, क्योंकि इसने वो करवाना है रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन करवाना है, निमोनिया करवाना है, तो इसकी हैबिटेट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होगा, जबकि इसने एंटेरोकोकस फेसालिस है तो इसकी हैबिटेट नाम से लग रहा है कि इसने हमारे कोलोन के अंदर एंटेरोकोकस, ठीक है, एंटेरो का मतलब हमारा इंटेस्टाइन से रिलेटेड, और यूरिथ्रा और फीमेल जेनिटल ट्रैक में भी हो सकता है, जबकि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्टाई है ये वजाइना के अंदर होता है, आपने इस तरह से याद रखना है कि ए जी वजाइना में आता है वी ए जी, तो एगलेक्टाई इस तरह से आपने वी ए जी करके याद कर लेना है, और जबकि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स है तो ये होता है हमारी थ्रोट के अंदर और स्किन के अंदर, जब आपको मैंने बताया था थ्रोट की इन्फेक्शन को बोलते हैं फरेंजाइटिस, स्किन के अंदर सेलुलाइटिस बोल देते हैं। अब इनके ट्रांसमिशन क्या है, चूंकि थ्रोट के अंदर आता है तो उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के दौरान कुछ ना कुछ हमारे ड्रॉपलेट रिलीज होते हैं, कुछ थूक वगैरह निकलता है तो उसके जरिए हो सकता है, जबकि वजाइना के अंदर आता है वजाइना में इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल से फीटस पास होगा, इन्फेंट पास होगा तो उसमें हो सकता है, जबकि इसकी ट्रांसमिशन क्या होगी, इसकी ट्रांसमिशन ये कहते हैं कि ब्लड के जरिए आगे जा सकता है हमारे जीआईटी के अंदर या जेनिटल यूरिनरी ट्रैक प्रोसीजर के दौरान जा सकता होता है, जबकि इसकी ट्रांसमिशन क्या है, इसकी ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट में जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा उनकी ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए होगी, जबकि ये वाला होगा इसका ट्रांसमिशन ब्लड स्ट्रीम के जरिए होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसा एंटीरोकोकस फेसालिस की होगी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी पैथोजेनेसिस है, इनकी पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस का मतलब बीमारी किस तरह से फैला रहे हैं, अब इनकी पैथोजेनेसिस पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस को उसने दो में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन कौन सा है, सुपरेटिव या पस इन्फेक्टेड या पस प्रोड्यूसिंग, नॉन पस प्रोड्यूसिंग, नॉन सुपरेटिव। अब होता क्या है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है फॉर सुपरेटिव इन्फेक्शन, उसका नाम है हाइलुरिडेज। अब हाइलुरिडेज को सपरेटिंग फैक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी सपरेट में इसके फैलाव में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये करेगा क्या, अब इसने एक सेल की इन्फ्लेमेशन करा दी है जिसको बोलते हैं सेलुलाइटिस होते हैं, सेलुलाइटिस बोलते हैं, तो इसने मजीद आगे फैलना है, ईसीएम में फैलना है, तो ईसीएम में हाइलुरोनिक एसिड देखने को मिलता है, आपने सुना होगा हाइलुरोनिक एसिड एक गैग है, तो ये क्या करता है एंजाइम ईसीएम के अंदर जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उनको तोड़ना फोड़ना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये आपको सेल से स्किन की तरफ देखने को मिल सकता है। इसके बाद एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है उसका नाम है इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन, ये सुपर एंटीजन है, सुपर एंटीजन का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह देखने को मिल सकेगा, तो यहाँ पर जो रैश होता है स्कारलेट फीवर का वो देखने को मिलता है। तीसरी चीज ये प्रोड्यूस करा हुआ है एम प्रोटीन, एम प्रोटीन फैगोसाइटोसिस में को इम्पीट करती है, एंटी फैगोसाइटिक होती है, ऑप्शनाइजेशन को ब्लॉक करती है, तो फिर हाइलुरिडेज इनके सेपरेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सबकुटेनियस सेपरेट के अंदर जो इरिथ्रोजेनिक टॉक्सिन होता है ये रैश करवा देता है स्कारलेट फीवर का, उसके साथ साथ जो एम प्रोटीन होती है एंटी फैगोसाइटिक होती है। अगर इसे
इम्यूनोलॉजिकल करवाना है तो इम्यूनोलॉजिकल के अंदर हमने फिजियो के अंदर पढ़ा हुआ था कि रियोमैटिक फीवर भी करवाता है। रियोमैटिक फीवर होता है क्या, कि नॉर्मली आ जाता है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन का इन्फेक्शन होता है तो उसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडीज बनती है। तो फिर एंटीबॉडीज जो और एंटीजन का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो हमारे हार्ट वेल्व्स के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है और ज्वाइंट के टिश्यू पर भी, ठीक है। अब वहाँ पर होगा क्या, फिर जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा उन जगह पर जाके अटैच हो जाएगा तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा इम्यून सिस्टम क्या करना शुरू कर देगा, उनको हमला करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है कि जो एंटीबॉडी होती है ना, जो स्ट्रेप्टोकोकस की जो एम प्रोटीन होती है उसके अगेंस्ट होती है तो हमारी कार्डिक मसल में मायोसिन को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जैसे ना एम प्रोटीन स्ट्रेप्टोकोकस में तो कार्डिक मसल में मायोसिन होगा, एम से मायोसिन। इसके साथ साथ अगर ये इम्यून कॉम्प्लेक्स जमा होना शुरू हो जाए कहाँ पर, किडनी के नेफ्रॉन के अंदर, ग्लोमेरुलस के अंदर, तो वहाँ पे ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस भी हो सकता है, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। अब होगा क्या, फिर ग्लोमेरुलस के अंदर इम्यून कॉम्प्लेक्स जमा होना शुरू हो जाएगा, फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होना शुरू हो जाएगी। C5 पे क्या कर पाएगा, उसकी कीमोटैक्सिस करवा देगा न्यूट्रोफिल की, और फाइनली जो प्रोटीज प्रोड्यूस होगी न्यूट्रोफिल के वो ग्लोमेरुलस को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो ये पूरा पैथोजेनेसिस है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स का। इसके बाद जो पैथोजेनेसिस हम देख लेते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एंगलेक्टाई का, तो ये लिखा हुआ है पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, पायोजेनिक मतलब पस प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे कोई एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। अब होगा क्या, जो प्री डिस्मोसिंग फैक्टर टू न्यूनेटल, अब होगा क्या कि अगर जो मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन हमारी जो एक ऑर्गेनिक मेम्ब्रेन होती है वो अगर 18 हफ्ते डिलीवरी से 18 घंटे पहले रप्चर हो जाए, ठीक है, प्री मच्योर हो जाए, तो इसकी वजह से ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर आता है। यहाँ पे से प्री डिस्पोजिंग फैक्टर लिखे हुए कौन कौन से हैं, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, दूसरा लेबर प्रायर टू 37 वीक प्री मच्योर लेबर है, या मैटरनल एंटीबॉडी एब्सेंस है जिसकी वजह से डिजीज ये प्रिवेंट ना हो सका, या फिर जेनिटल ट्रैक के ऊपर ज्यादा इस बैक्टीरिया को पाई कर लिया, तो फिर 4 डिस्पोजिंग फैक्टर लिखे हुए हैं। पहला हैवी कोलोनाइजेशन, मैटरनल एंटीबॉडी की एब्सेंस है, और इसके अलावा जो प्रीमेच्योर लेबर है या प्रीमेच्योर जो डिलीवरी वगैरह 18 घंटे बिफोर डिलीवरी, तो वहां पर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस को पढ़ने से पहले हम इसके एंटीरोकोकस फिसालिस को भी देख लेते हैं। कहते हैं इसका कोई एक्सोटॉक्सिन कोई विरुलेंस फैक्टर आइडेंटिफाई नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बिलरी ट्रैक इन्फेक्शन या एंडोकार्डाइटिस करवाता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की, चूंकि इसे निमोनिया करवाना है जो कि इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होता है लंग होता है। अब यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा, लेकिन यहाँ कोई भी एक्सोटॉक्सिन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर एक पॉलीसेक्राइड कैप्सूल होगा, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल ऑक्सीजनाइजेशन को प्रिवेंट करेगा, IgA प्रोटीज भी प्रोड्यूस करेगा, वो IgA प्रोटीज IgA को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया आराम से म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो सकता है, ठीक हो गया। अगर किसी बंदे में पहले से वायरस का इन्फेक्शन है, वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, तो निमोकोकल इन्फेक्शन के चांसेस होने के काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर किसी ने स्प्लीन रिमूव की हुई है, तो स्प्लीन का आपको पता है कि हमारे डिफेंस सिस्टम के इन्वॉल्व होती है, तो स्प्लीन अगर नहीं है, स्प्लीन एक्टेमी है, तो फिर सेप्सिस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी बंदे में ऐसा इन्फेक्शन है, स्कल का फ्रैक्चर हो जाता है, तो फिर इसकी वजह से होगा क्या, तो इसकी वजह से ये होगा कि जो स्पाइनल फ्लूइड लीकेज होगी, ठीक है, नोज से, नोज का फ्लूइड ब्रेन में जा सकता है, जिसकी वजह से मेनिनजाइटिस हो सकता है। आपको पता है कि वहाँ पर एक्रिब्री फोम प्लेट होती है जो हमारी मिडल क्रेनियल फोसा को, नहीं सॉरी, एंटीरियर क्रेनियल फोसा को निजल कैविटी से सेपरेट करती है, तो वहाँ से ट्रांसमिट हो सकता है मेनिनजाइटिस तक। इसके बाद जो पैथोजेनेसिस इसकी है, विरेडियन ग्रुप के अंदर है, विरेडियन ग्रुप के अंदर लिखा हुआ है कि जो डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं मिसाल के तौर पर, तो वहाँ पर अगर वो स्टीलाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वहाँ पर अगर फैल सकता है, तो वहाँ से हार्ट वाल्व तक जाल चला जाएगा, ठीक है, हार्ट वाल्व तक चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इसकी ट्रांसमिशन बता रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स में पॉलीसेक्राइड कैप्सूल वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसको हार्ट वाल्व चिपका देते हैं और हार्ट को डैमेज करना शुरू कर देगा, जिसको बोलते हैं कि एंडोकार्डाइटिस। अब इसके बाद इनकी वन बाय वन लेबोरेटरी डायग्नोसिस को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब जो डायग्नोसिस होती है वो बता रहा है कि जो सुपरेटिव इन्फेक्शन, उनकी डायग्नोसिस डिफरेंट होती है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन से। जो सुपरेटिव था फेरेंजाइटिस रेलाइटिस, इम्यूनोलॉजिकल था रियोमैटिक फीवर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो सुपरेटिव इन्फेक्शन के अंदर सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ग्राम स्टेनिंग का एक सीमियर प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम उसको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे ताकि हम उसको आराम से देख सके, जबकि और इसके साथ साथ इसके बाद क्या करेंगे, बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी करेंगे किसके ऊपर, ब्लड एगर के ऊपर, ब्लड एगर के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स होते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, तो ये हिमोलिसिस करते हैं, बीटा हिमोलिटिक पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें आपको ग्रीन कलर पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो आइसोलेट हमने रिलीज किया कॉलोनी से या कल्चर से, तो वो बेसिट्रेसिन से सेंसिटिव है या नहीं। अगर वो बेसिट्रेसिन से सेंसिटिव है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स या एगलेक्टाई इसमें से किसी ना किसी का हो सकता होता है, ठीक हो गया। तो ये आपको पैटर्न देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल, बात करें इम्यूनोलॉजिकल, तो इम्यूनोलॉजिकल के लिए आप एलिसा परफॉर्म करते हैं, एंटीबॉडी वगैरह, एंटीबॉडी को चेक करते हैं कि आया कि इसके लिए है नॉन सपोरेटिव इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन के अंदर है एंटीबॉडी, ठीक हो गया। रूमेटिक फीवर के अंदर हम क्या देखते हैं, एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ एंटीबॉडी टाइटर देखते हैं, ठीक है। टाइटर का मतलब कंसेंट्रेशन यूनिट है, उसको देखते हैं, ठीक हो गया। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हम क्या देखते हैं,
जो स्ट्रेप्टोकोकल डीएनए एस बी इसके खिलाफ एंटीबॉडी है, जबकि यहाँ पर जो एंटीबॉडी थी वो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, क्योंकि इसने हिमोलिसिस करवानी है। तो इन दोनों डिजीज के अंदर, दोनों कंडीशन के अंदर डिफरेंट लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के मेथड होते हैं, जबकि इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस के साथ से होगी ग्राम स्टेनिंग करेंगे, फिर कल्चर करेंगे और फिर बीटा हिमोलिटिक कॉलोनी होगी तो नैरो जोन देखने को मिलेगा, ठीक है, और रेजिस्टेंट होगा बेसी प्रेसिंग से। इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिज्म होता है हिपोरिक, जो हिपोरेट होता है, हिपोरिक एसिड होता है, इसको हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक हो गया। तो एक टेस्ट होता है सीएमपी टेस्ट, अब इसको थ्योरी में देखेंगे ये पॉजिटिव देते हैं। इसके साथ साथ अगर इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस देखते हैं, बिल्कुल सेम है, पहले ग्राम स्टेनिंग करेंगे, फिर कल्चर करेंगे, फिर आया चेक करेंगे बीटा हिमोलिटिक है नॉन हिमोलिटिक है, तो नॉन हिमोलिटिक होगा तो यही वाला होगा। इसके साथ साथ इसको ग्रो करेंगे 6.5 एनएससीएल पर, ठीक है, ठीक है, 6.5 एनएससीएल पर, ठीक हो गया। तो इस पे जाके देखेगा स्पेसिफिकली ऑन द प्रेजेंस ऑफ बाइल, बाइल के प्रेजेंस में इसको आके देखेगा। इसके बाद इसके लिए बाकी डायग्नोसिस के अंदर देखिए ग्राम स्टेनिंग है, कल्चर करेंगे अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनी देखने को मिलेगी, और इसकी जो ग्रोथ होगी वो बाइल और ऑप्टोचिन दोनों से इनिबिट होगी, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे आपको कोवेलेंट रिएक्शन में देखने को मिलेगा। कोवेलेंट रिएक्शन में यह होता है कि अगर हमने, ठीक है, अगर हमने कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडीज दी है तो एंटीबॉडीज इसके कैप्सूल को डैमेज करना शुरू कर देना, जिसकी वजह से कैप्सूल की स्वेलिंग हो जाएगी। तो फिर कैप्सूल की स्वेलिंग को चेक करने के लिए क्यूलिंग टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम का नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे एंटीजेनिसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत सारी सीरोटाइप्स होती है। इसके साथ साथ स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, क्योंकि मेनिनजाइटिस है, सी पॉलीसैकेराइड है यूरिन के अंदर, इसको भी देख सकते हैं, ठीक हो गया। जबकि इसके लिए बाकी डायग्नोसिस के अंदर ग्राम स्टेनिंग है, कल्चर है, अल्फा हिमोलिटिक कॉलोनी है, ग्रोथ इनहिबिटर, इन ग्रोथ इनहिबिटर को देख लेंगे, ठीक हो गया। तो इन सब में यही तरीका कार होता है, सबसे पहले आपने ग्राम स्टेनिंग करनी है, कल्चर करना है, कॉलोनी करनी है, इसके साथ साथ आपने कोई ग्रोथ इनहिबिटर देख लेना है, फाइनली इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इनके क्या होगा, इन सब में लिखा होगा पेनिसिलिन जी, लिखा होगा पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जी, और यहाँ पे पेनिसिलिन वेंकोमाइसिन प्लस अमाइनो ग्लाइकोसाइड लिखा होगा, ठीक है, जेंटामाइसिन लिखा होगा, क्योंकि बाजू का यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्रिएट हो जाती है, जबकि यहाँ पे भी पेनिसिलिन जी लिखा होगा, यहाँ पे पेनिसिलिन जी लिखा होगा, ठीक है, पेनिसिलिन जी। तो इन सब के ट्रीटमेंट ये आपने पेनिसिलिन जी लिखनी है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक स्ट्रेप्टोकोकस। अब बात कर लेते हैं स्टेफलोकोकस की, तो स्टेफलोकोकस में जो मेन है हमारा वो स्टेफलोकोकस ओरियस है, इसी को आज पढ़ेंगे। तो स्टेफलोकोकस ओरियस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, कोगुलेस पॉजिटिव होता है, मतलब कोगुलेशन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कैटेलेस पॉजिटिव है, जबकि कैटेलेस नेगेटिव, कैटेलेस कोगुलेस नेगेटिव, दोनों स्ट्रेप्टोकोकस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और बहुत सारे ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, बीटा लैक्टमेस प्रोड्यूस करते हैं, बीटा लैक्टमेस प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, तो हमें नेफ्सिलिन या मेथासिलिन यूज करनी पड़ेगी। और उसके खिलाफ भी अगर रेजिस्टेंस आ जाए तो उसको बोलते हैं मार्सा स्ट्रेन, नर्सा स्ट्रेन, मेथासिलिन रेजिस्टेंस स्टेफलोकोकस ओरियस या नेफ्सिलिन रेजिस्टेंस स्टेफलोकोकस ओरियस। तो पहला मैकेनिज्म होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का, कि बीटा लैक्टमेस प्रोड्यूस करती है। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि कुछ ऐसे है जो बीटा लैक्टमेस से रेजिस्टेंट होती है एंटीबायोटिक्स, तो उनके लिए क्या यूज करती है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि मेथिसिलिन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे स्ट्रेन्स को बोलते हैं मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टाफिलोकोकस ओरियस, ठीक है। जो एमआरएसआ होता है, कि कम्युनिटी अक्वाइर्ड और हॉस्पिटल अक्वाइर्ड, दोनों टाइप का स्किन और सॉफ्ट टिश्यू की इन्फेक्शन करवा देता है। ट्रांसमिशन क्या होगा, मेन हैबिटेट ह्यूमन नोज है, स्किन पे भी हो सकता है, ट्रांसमिशन हैंड कॉन्टैक्ट से होगी। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या होगा, तो सबसे पहले जो एप्सेस होती है, एप्सेस मेनी लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस है, कॉमन लीजन देखने को मिलती है। उसके अलावा तीन एक्सोटॉक्सिन भी होते हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, सुपर एंटीजन, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी कराएगा। अभी करेगा क्या, ये हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करेगा कि वो इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ एक एंटीरोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है, जो कि डायरिया करवा देगा, गैस्ट्रोएंटेराइटिस करवा देता है। इसके बाद लास्ट में स्काल्ड स्किन सिंड्रोम, यह असल में क्या होता है, इसमें टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है प्रोटीएस। ये प्रोटीएस हमारी जो स्किन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स होती है, एपिडर्मल सेल्स होते हैं, इनके दिमाग टाइट जंक्शंस होते हैं, इनको तोड़ देता है। इसमें डेस्मोग्लिन होती है, डेस्मोसोम के अंदर उसको तोड़ देता है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको विरुलेंस फैक्टर कौन कौन से है, प्रोटीन ई है इंपॉर्टेंट, विरुलेंस फैक्टर है जो कि आईजीजी की हैवी चेन के साथ बाइंड करता है, जिसकी वजह से ऑप्शनाइजेशन नहीं हो पाती, ठीक हो गया। अब लेबॉरेटरी डायग्नोसिस में ग्राम स्टेनिंग करेंगे, कल्चर करेंगे, कॉलोनी देखेंगे, ब्लड एगर के ऊपर तो येलो गोल्ड कॉलोनी देखने को मिलेगी, डेट इज वाई दिस इज कॉल्ड स्टेफलोजेंथिन, ठीक हो गया। ये कोगुलेस पॉजिटिव होता है, कैटेलेस पॉजिटिव होता है, स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडस कोगुलेस नेगेटिव होता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट किसी काम के नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे एंटीजेनिसिटी काफी ज्यादा होती है। ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन या दूसरी एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ती है। प्रिवेंशन में आपको बाजू का जो एक सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन से पहले आपको सेफाजोलिन यूज करना पड़ता है, ठीक हो गया। तो ये था बेसिक ओवरव्यू स्टेफलोकोकस वाला, ग्राम पॉजिटिव कोकाई वाला। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।